अगली चीज़ है फिर आई सी टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो आई सी टी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है फिर आई सी टी का एप्लीकेशन क्या है आई सी टी का एप्लीकेशन ये है कि इसका यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं तो अलग अलग मेथड्स हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के फिर वायरलेस कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी कौन सी है फिर आ जाएंगे मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी दूसरे टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं फिर आई का एवोल्यूशन हुआ कैसे फिर उसके बाद आ जाएंगे इसी क्योंकि फाइव जी का टॉपिक जो अभी चर्चा में है और डिजिटल इंडिया तो इसको कवर कर लेते हैं तो सबसे सब पहले आ जाते हैं आई की डेफिनेशन क्या है आई सी टी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रा और प्रोडक्ट्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जा सकता है या ट्रांसमिट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली ठीक है तो आई में आप डिजिटल इंफ्रा को डेवलप करते हो जिससे कि जो भी डिजिटल इन्फॉमेसन है उसको कैसे हमें स्टोर करना है कैसे एक जगह से दूसरी जगह कर ट्रांसमिट करना है एनालाइज़ करना है वो चीज़ इंश्योर की जा सके <coughs> तो आप मोबाइल से बात करो कंप्यूटर से बात करो ये वही चीज़ें अच्छा अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं छह तरह की आई हैं एम सी एस आर एम वी देट इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स विजिबल लाइट कम्युनिकेशन ये सब तरीके हैं जिससे आप इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हो फिर अगला एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो कम्युनिकेशन यूजिंग वायरलेस मेथड। तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड सेवन टेक्नोलॉजीज़ तो डेफिनेशन ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क कैसे करता है तो आइनोसफियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एग्जाम्पल मोबाइल कम्युनिकेशन तो मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या है साउंड वेव या फिर जो सिग्नल्स होते हैं उसको एक कैरियर वेव पे बिठाया जाता है जो एक बस की तरह एक्ट करती है मतलब जो हमारा मैसेज है उसे एक बस पे बिठा के दैट इज़ uh, साउंड वेव्स को कैरियर वेव पर बैठा कर उसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है टुवर्ड्स आइनोसफियर जहाँ पर वो आइनोसफियर में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं और लड़के वापस आते हैं और हर ओर फैल जाते हैं रिफ्लेक्ट हो जिसकी यहाँ पे क्या हैं? करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं एटमोसफियर वाले और री रिडिएट कर देते हैं इस एनर्जी और सिग्नल को बैक टू अर्थ इन ऑल डायरेक्शन सारे डायरेक्शन में यह चला जाता है अब सारे डायरेक्शन में जाने के बाद जहाँ पर भी रिसीवर अवेलेबल है वहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इसी तरह से हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं मैं अगर घर पे कॉल करता हूँ तो मेरे मोबाइल से साउंड वेव निकलती है ये कैरियर वेव पे बैठ के जाएगी आइनासफियर में आइनासफियर से टकराएगी और फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी लेकिन फिर रिसीव होगा मेरे फैमिली के पास जो फ़ोन है उस पर तो कंपेटेबल रिसीवर होने चाहिए अलग अलग प्लेसेस पे इंस्टॉल्ड अब वायरलेस मेथड या वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो सेवन चीज़ें इसमें ब्लूटूथ वाईफाई लाईफाई वाई मैक्स एन एफ सी आर एफ आई डी वी एल सी टी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि चार चीज़ों पर बेस्ड है आर आर एक तो इसमें हम रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स वाली रेडिएशन को यूज़ करते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ होता है तीसरी चीज़ इसका एडवांटेज क्या है पीपी पोर्टेबल फॉर्म और पावर रिक्वायरमेंट इसमें कम होती है डिसएडवांटेज क्या है कि आप बड़ी फाइल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फिर आती है वाईफाई दैट इज़ वायरलेस फिडेलिटी ये भी वही चार आर आर यहाँ पर भी रेडियो सिग्नल्स का ही यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए वाईफाई में जब वाईफाई ऑन होता है तो इंटरनेट आ जाता है ना सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वहाँ रेडियो सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं फिर इसकी रेंज वाईफाई की ज़्यादा होती है प्लस वाईफाई में मल्टीपल लोग कनेक्ट हो सकते हैं डिसएडवांटेज यही कि इंटरनेट स्पीड घट जाती है फिर है लाई दैट इज़ लाइट फडिलिटी ये भी आ रहा है डी देट इज़ यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स के बजाय विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है पर इसकी रेंज कम होती है एडवांटेज ये है इस्पीड ज़्यादा है डिसएडवांटेज ये है कि कम लोग कनेक्ट हो सकते हैं लाईफाई पे वाई मैक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस की बात है यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज होती है एडवांटेज क्या है वेयर वी कैन नॉट प्लेस केबल आप वाई मैक्स का यूज़ कर सकते हो डिसएडवांटेज ये है कि लेटेंसी और लैग ज़्यादा होता है इसमें फिर एन यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन तो ये जो अपने टैप एंड गो प्रिंसिपल पे काम करती है इसको आप डिजिटल पेमेंट में यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक आईडी इन ऑफिस ऑफिस में आईडी या होटल रूम में इलेक्ट्रॉनिक आईडी होटल सॉरी होटल रूम में जो एक्सेस विदाउट कार्ड होती है वहाँ पे इसका यूज़ है डिसडवानटेज ये है कि बहुत शॉर्ट रेंज पर यह वायरलेस कम्युनिकेशन काम करता है विद इन फ्यू सेंटीमीटर अब क्वेश्चन ये है मेट्रो पर जो हम पेमेंट करते हैं मेट्रो कार्ड भी क्या नियर फील्ड कम्युनिकेशन ही है क्या फिर आर एफ आई डी देट इज़ रेडियो फ्रिकुवेंसी आइडेंटिफिकेशन तो यहाँ पर रेडिएशन रेडियो फ्रिकुवेंसी होती है यूज़ क्या होता है आर एफ आई डी टैग्स जैसे कि फास्ट टैग्स जिससे कि वहीकल में लगाया जाता है लाइफ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है जो भी थ्रेटेंड स्पेश आर एफ आई डी यूज़ कर लिया जाता है वी एल सी टी की बात करें तो विजबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पर विजबल लाइट नाम की रेडिएशन को यूज़ करते हैं फोर हंड्रेड टू एट हंड्रेड नैनो ओम एन क्या है इसमें कोई इंटरसेप्शन नहीं हो सकता डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रेंज कम होगी अब ये तो हुए वायरलेस मैथड सात इस वायरलेस मेथड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो हैं वो हैं चार जी कैड दैट इज़ जी एस एम सी डी एम एनेलॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल तो जी एस एम क्या है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और सी डी एम ए क्या है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तो इनको कंपेयर करके पढ़ते हैं जी एस एम में आप ऐसा समझ लो कि अलग अलग तीन लेंस हैं और तीन लोन्स में अलग अलग लेन अलग अलग कार को अलॉटेड है सी डी एम ए में क्या है कि लेन्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ जगह मिले वहाँ वो कार चली जाए इंडियन ट्रैफिक की तरह जी का एडवांटेज ये है कि इसमें वॉइस क्वालिटी बेटर होगी क्योंकि दूसरे कॉल इस लेन में आ ही नहीं पाएंगे हर एक कॉल के लिए एक लेन रिसर्व होगा लेकिन कोड सी डी में क्या है वॉइस क्वालिटी कम अच्छी होगी क्योंकि ऐसा कोई डेडिकेटेड लेन नहीं है जी का डिसएडवांटेज ये है कि सी से कम सिक्योर होता है सी का एडवांटेज ये है कि ये जी से ज़्यादा सिक्योर हो सकता है ज़्यादा लोग में लेकिन कॉल ड्रॉप होने लगती है सी डी एम ए में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या अंतर है एनालॉग्स क्या होते हैं ये कंटिन्यूस वेव्स या फिर इम्पल्स होती हैं जो कि टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं वेव के टाइप जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एनालॉग सिग्नल का एग्ज़ाम्पल है ह्यूमन वॉइस हम भी जब बोलते हैं तो साउंड वेव्स निकलती हैं और डिजिटल सिग्नल का एग्ज़ाम्पल है मोबाइल और कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल वन जी फर्स्ट जनरेशन जो था वन जी वो एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड था कम नॉइज़ थी उसमें लेकिन टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी ये सब डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड है इसमें नॉइज़ ज़्यादा है अब ये हो गया अब आ जाते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे इसमें एनालॉग वन जी है डिजिटल में टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी जो एनालॉग है वन जी वो नाइनटीन एटीज़ से नाइनटीन नाइन्टीज़ तक चला इसमें एस एम एस की फैसिलिटी नहीं थी मोबाइल में एनालॉग सिग्नल बेस्ड था ये एंड दैट इज़ वेव्स का यूज़ होता था और डेटा ट्रांसफ़र स्पीड सिर्फ 2.4 किलोबाइट्स पर सेकंड थी फिर डिजिटल सिग्नल आए 1990 से 2000 में 2G आया जिसमें कि आप एसएमएस कर सकते हो मोबाइल से जीपीआरएस बेस्ड था जिसमें 50 के की स्पीड थी और फिर के की स्पीड थी और फिर बाद में एज बेस्ड आया जिसमें सौ के की स्पीड हो गई लेटर इसे बढ़ा दिया गया टू वन एम बी पी एस जी पी आर एस यानि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और एज यानी इनहैंस डेटा रेट्स फॉर जी एस एवोल्यूशन फिर उसके बाद 2000 से 2010 के बीच 3G आया जो कि आज भी यूज़ में है इसमें पहली बार वीडियो डाउनलोड करने की फैसिलिटी आ गई क्योंकि स्पीड 2 से 10 एम हो गई फिर 4G आया 2010 में अभी भी यूज़ में है ये बेस था तीन चीज़ों पे एल वी डब्ल्यू एक तो एल टी ई दैट इज़ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एल का मतलब कॉल पर बात करते टाइम डेटा ऑफ हो जाता था इसका इम्प्रूवड वर्जन आया फिर वी ओ एल टी ई दैट इज़ वॉइस ओवर एल टी ई इसमें जब आप कॉल पे बात कर रहे हो वॉइस कॉल पे तो उस टाइम भी इंटरनेट डेटा साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता है फिर तीसरी चीज़ है वाई मैक्स लेकिन ये इंडिया ने यूज़ नहीं किया फाइव जी ये अभी चल रहा है इसको इसलिए डिटेल में डिस्कस किया गया है बाद में फिर दूसरे टर्म्स पाँच टर्म्स हैं वॉलिस वाइट स्पेस क्या है ए आर वी आर क्या है लिडार क्या है आई ओ टी क्या है सास क्या है वाइट स्पेस का मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंडस है मानो ये तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो हैं वो अलग अलग टीवी चैनल्स को दिए हैं स्टार स्पोर्ट्स के लिए एक बैंड दे दिया और फिर स्टार प्लस के लिए एक दे दिया लेकिन इन बैंड्स के बीच में एक गैप मेंटेन किया जाता है इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बीच में ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं टी चैनल के सिग्नल आपस में मिक्स ना हो जाएँ लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट क्या है वो चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट फ्रीकवेंसी बैंड्स हैं इनके बीच की स्पेस का वो यूज़ करें तो ये वाइट स्पेस हो गया ए आर वी आर क्या है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है इंडिविजुअल जो होता है वो रियल और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों के मिक्स में होता है ठीक है एग्ज़ाम्पल स्नैपचैट लेंसेस की है तो रियलिटी ही लेकिन उसमें आपकी आँखों के ऊपर चश्मा आ गया ठीक है या आपके ऊपर सर के ऊपर कान आ गए सींग आ गई तो मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब रियलिटी है ही उसको ऑगमेंट कर दिया है उसमें पोकेमॉन दिखा के आँखों का कलर चेंज करके तो वो ऑगमेंटेड रियालिटी है और वर्चुअल रियालिटी मतलब रियालिटी ही वर्चुअल हो गई है मतलब यहाँ आप कंप्यूटर का यूज़ करके एक सिमिलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो जो कि रियल लाइफ की तरह मैच करता है एग्जाम्पल मेटावर्स फिर लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसमें लेज़र बीम का यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट किया जाता है और रिफ्लेक्शन के बेसिस पे 2D और 3D इमेजेस को फॉर्म किया जा सकता है आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब एवरीडे अप्लाइंस या चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट से थ्रू वायरलेस नेटवर्क जिससे कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगें ठीक है कार कम्युनिकेट कर रही है घर से घर कम्युनिकेट कर रहा है कि जैसे ही पाँच मिनट बचे हैं आपके घर पहुंचने में कार ने सिग्नल दिया एसी को कि एसी ऑन हो जाए लाइट्स को सिग्नल दिया कि दस सेकेंड पहले ऑन हो जाना कुछ इस टाइप से फिर सास सास यानी सॉफ्टवेयर है सर्विस जैसे कि जी है जी मेल गूगल पर खोला जा सकता है विदाउट डाउनलोडिंग इट्स एप्लीकेशन इसका मतलब जी मेल ऑलरेडी कहीं किसी जगह पर इंस्टॉल्ड है और हम सिर्फ इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं ये जो जी मेल की रिपोजिटरी है हम इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं बस बी सी टी है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी तो इसमें इंटर इसमें ढेर सारे ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे से हैं उनकी चेन्स हैं ये ब्लॉक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं लेकिन इस ब्लॉक को अगर आपको खोलना है तो उसके लिए की की ज़रूरत पड़ेगी चेन चेन यानी एक पब्लिक डेटाबेस सीक्वेंस है इसमें फिर बास दैट इज़ ब्लॉक चेन एज सर्विस जैसे कि डिजिटल वर्चुअल और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लीब्रा इथीरियम लेकिन ये करेंसी सिक्योर की जाती है बाई सॉफ्टवेयर्स फिर एवोल्यूशन तो आईसीटी की हिस्ट्री जो है वो तीन फेजेस में आप समझ सकते हो नाइनटीन से टू जब इंडियन इंजीनियरिंग या फिर साइंटिस्ट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट अब्रॉड गए वहाँ पर उन्होंने ऑफिसज़ इस्टेब्लिश किए आईटी तब एक फेमस फील्ड नहीं हुआ करती थी तो इंडियन ज़्यादातर वर्क करा करते थे डिफेंस सेक्टर में आई वगैरह की जॉब में या बैंक्स में फिर टू थाउजेंड टू थाउजेंड फोटीन में ग्लोबल टेक जॉन्ट्स ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया जिससे कि इंडिया की ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट को टैप इन कर सकें इस वक्त क्या हुआ जो इंडिया के ही लोग बाहर गए हुए थे वो वापस इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में आके आई हब्स बनाने शुरू कर दिए दिल्ली एनसीआर में बेंगलोर में हैदराबाद में फिर 2014 से प्रेजेंट तक ऑन्टरप्रेन्योरशिप ने क्रिएटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम ट्वेंटी से ट्वेंटी की जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि देर इज़ शार्प इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स डिजिटल इंडिया ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसे भी बाद में डिस्कस करेंगे एक नोट है कि रेडिएशन रेडिएशन में गामा से बड़ी एक्सरे एक्सरे से बड़ी यूवी उससे बड़ी विजिबल लाइट जो कि थ्री सिक्सटी से सेवन एटी नाइनोमीटर उससे बड़ी इन्फ्रा उससे बड़ी माइक्रोवेव जो कि हंड्रेड एम mm से वन सेंटीमीटर उससे बड़ी रेडियो वेव दैट इज़ टेन मीटर टू वन किलोमीटर और हम यूज़ करते हैं ये तीन रेडिएशन विजिबल लाइट माइक्रोवेव और रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए अब आ जाते हैं इस पर डिटेल्ड टॉपिक्स ऑफ आईसीटी तो आईसीटी में दो टॉपिक जो करेंटली चल रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक 5G और एक डिजिटल इंडिया तो 5G में डेफिनीशन क्या है एडिशनल क्या है एडिशनल में 5G के एडवांटेज डिसएडवांटेज और 5G का एप्लीकेशन तो 5G का एडवांटेज क्या है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिग्नल जल्दी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं किसी डिज़ास्टर के बारे में हेड क्वार्टर को जिससे हेल्प मंगाई जा सके डिसएडवांटेज या चैलेंज क्या है शुरू में कौन सी प्रॉब्लम आएंगी बाद में कौन सी तो प्रॉब्लम्स को हमेशा इस तरह से डिवाइड कर सकते हो आप शुरू में कौन सी फेस करेंगे बाद में कौन सी तो शुरू में आएंगी तीन तरह की प्रॉब्लम हिप एक तो हैंडसेट को सबसे पहले अपग्रेड करना होगा कि 5G जी इनेबल हो जाएँ फिर इंफ्रा में डिजिटल इंफ्रा को बढ़ाना होगा फिर प्राइस इन्वेस्टमेंट चाहिए गवर्नमेंट की ओर से और टीएसपी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की ओर से और फिर जब ये पूरा कर दोगे तो लास्ट में क्या दिक्कत होगी साइबर सिक्योरिटी की अब फिर फाइव जी की एप्लीकेशन प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर और दूसरी जगह भी हैं प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में तीन जगह फाइव यूज़ हो सकता है पी डब्ल्यू फार्मिंग वेदर फोरकास्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट सेकेंडरी सेक्टर में मैनुफेक्चरिंग में यूज़ हो सकता है यूज़ ऑफ ए आई एंड रोबोटिक्स फॉर प्रिसाइज मैनुफैक्चरिंग टर्शरी में हेल्थ केयर में और एनर्जी में हेल्थ केयर में तीन चीज़ें टी टी आर टेली मेडिसिन टेली एजुकेशन रोबोटिक सर्जरीज फाइव जी से की जा सकती हैं एनर्जी में दो चीज़ एन एस नेट मीटरिंग और स्मार्ट मीटरिंग नेट मीटरिंग मतलब एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्राम सोलर पैनल्स एट होम्स एनर्जी कंज्यूम्ड फ्राम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो ये जो सोलर पैनल्स है इसी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है स्मार्ट मीटरिंग में आप ग्रिड को कनेक्ट कर सकते हो रियल टाइम के लिए दूसरे यूज़ क्या हैं फाइव जी के छः यूज़ हैं सी सी सात यूज़ सी सी डी बेग दैट इज सिटीज़ में यूज़ कर सकते हो क्लासेस में स्कूल के एजुकेशन में डिफ़ेंस टेक्नोलॉजी में बिजनेस में हाउस में एंटरटेनमेंट में गवर्नेंस में फिर अगली चीज़ आती है आपकी क्या डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया में डेफिनीन एडिशनल तो डिजिटल इंडिया में डेफिनीन क्या है फॉर्मूला क्या है एम क्या है नाइन पिलर हैं डिजिटल इंडिया के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है सबसे पहले डेफिनेशन डिजिटल इंडिया में क्या है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सके इंटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जिससे कि इंडिया को फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सके मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का फॉर्मुला दिया आई टी प्लस आई टी इक्वल टू आई टी दैट इज़ इन्फोटेक प्लस इंडियाज़ टैलेंट इज़ इक्वल टू इंडियाज टमोरो फिर एडिशनल तीन एम है डिजिटल इंडिया के जी आई पी एक तो गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डिमांड डिजिटल इंफ्रा और पीपल डिजिटली एम्पावर्ड तो गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डिमांड में क्या है गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन डिमांड आपको मिल जाए तो इसमें चार चीज़ें डी डी एम एम एक डिजिटल लॉकर डिजिटल सिग्नेचर मोबाइल बैंकिंग और मेघराज जो डिजी लॉकर है उसमें क्या है पर्सनल है आपका आधार आई डी पैन कार्ड बैंक अकाउंट ये रख सकते हो जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें अपार वगैरह रख सकते हो मोबाइल बैंकिंग के बाद मेघराज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लाउड सर्विस है बीस जी बी की स्पेस फिर डिजिटल इंडिया एज़ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन दैट इज़ हाई स्पीड इंटरनेट बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड कर सकते हो एग्जाम्पल भारत नेट का काम चल रहा है लोगों के लिए डिजिटली एम्पावर्ड बाई इम्प्रूविंग डिजिटल लिटरेसी तो पी एम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चल रहा है पी एम दिशा नौ पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के गवर्नमेंट से रिलेटेड गैजेट से रिलेटेड लोगों से रिलेटेड गवर्नमेंट के लिए क्या है ई गवर्नेंस ई क्रांति ईजली हारवेस्ट प्रोग्राम अर्ली हारवेस्ट प्रोग्राम गैजेट के लिए मोबाइल इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्लस इंटरनेट एक्सेस लोगों के लेवल पे डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी है लोगों में जॉब्स के लेवल पर लोगों को जॉब्स देनी है दैट इज़ गैजेट बनाना गैजेट को रिपेयर करना तो आई जॉब्स इनिशियेटिवस क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सात इनिशियेटिव बट बी एल एस प्रोग्राम उमंग दीक्षा बाई एन यूपीआई, डिजी लॉकर डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड पीएमजी दिशा चैलेंजेस क्या हैं शुरू में और फिर अंत में शुरू में यही है कि अभी लिमिटेड इंफ्रा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है लिमिटेड लेजिस्लेशन है डिजिटल इकोसिस्टम के एंड में क्या प्रॉब्लम आएगी साइबर सिक्योरिटी की और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट